भाई, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। गाइज, इस वीडियो में मैं ट्रेड करने वाला हूँ OTC के मार्केट पे। बिकॉज गाइज, इस वीडियो में मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ OTC मार्केट की, जो कि गाइज आज तक आप सभी ने यूज़ नहीं करी है, ना ही मैंने कोई भी यूट्यूब वीडियो के थ्रू मैंने इस स्ट्रैटेजी को आपके सामने रिवील नहीं किया है, ठीक है। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। देन अगर अभी तक आपने जो है क्यूटेस का भी अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, तो गाइज क्यूटेस का भी लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ फटाफट अकाउंट क्रिएट कर लो। देन आप जो है मिनिमम $50 डिपॉजिट करके VIP में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि गाइस आप सभी जानते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को न्यूज पे ट्रेड हम कराते रहते हैं, और न्यूज की गाइस एक ऐसी शॉर्ट शॉट है, हम जो है आप जो है NFP हो गई, चाहे वो BOC न्यूज हो गई, चाहे वो PPI होगी, चाहे वो CPI होगी, ऐसे न्यूज पे आपको कुछ नहीं करना है, हम एक शॉर्ट शॉट देते हैं जहां पे आप अपना फुल अमाउंट भी गाइस यूज कर सकते, क्योंकि गाइस वो इतनी शॉर्ट शॉट होती है कि अगर आपने कोई भी मान लो एक ट्रेड प्रेस करी है तो गाइस 100% वो विन जाती है। कैंडल ही गाइस वो इतनी स्ट्रॉन्ग बनती है कि उसके बाद रिवर्स करने का तो कोई चांसेस ही नहीं रहता है, और ये चीज गाइस हम दिखा चुके हैं अपने काफी सारे वीडियोस में, और कल की वीडियो मैंने भी पिछली वीडियो में मैंने आपको यही दिखाया था कि हमने किस तरीके से BOC न्यूज पे और NFP की न्यूज पे किस तरह से हमने शॉर्ट शॉट दी थी। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं साइड में आपको जो है स्क्रीन शॉट शो करा रहा हूँ BOC देन NFP ट्रेड का, ठीक है। और अगर गाइस आपको फिर भी यकीन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, जाके आप जो है वहां पे विजिट कर सकते हैं, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा हम किस तरह की शॉर्ट शॉट ट्रेड जो है देते हैं आप सभी को। सो गाइस, इस वीडियो में क्या होने वाला है, बिकॉज आज गाइज ये वीडियो जो हो रही है जो है संडे के दिन जो है मैं शूट करूंगा वीडियो को, और संडे के दिन गाइज आप सभी जानते हैं कि OTC का मार्केट ओपन होता है, और ऐसे मार्केट पर अगर आप गाइज जो है ट्रेड करते हैं तो वो रिस्की ट्रेड हो सकती नहीं गाइज होती है, यानी 90% चांसेस है कि आप जो है OTC के मार्केट पर ट्रेड कर रहे हैं तो वो रिस्की ट्रेड है। अब गाइज देखो, OTC के मार्केट पर अगर रिस्की ट्रेड है तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप जो है उस रिस्की ट्रेड को एक पॉजिटिव ट्रेड में बदल सकते। मैं गाइज देखो आपको मोटा मोटी ज्यादा तो नहीं समझाऊंगा, बट हाँ जो मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ, जो कैनालिसिस पैटर्न और कह सकते हैं कैनालिसिस पैटर्न तो खैर बाहर की चीज है, लेकिन यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन लेके आया हूँ इस वीडियो में इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन, उस इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन को मैंने मिला के एक जो है प्रीमियम स्ट्रैटेजी तैयार की है, वो भी OTC मार्केट के लिए, ठीक है। सो गाइज मैं यहाँ पे सबसे पहले जाऊंगा अपने इंडिकेटर वाले सेक्शन पे, देन यहाँ पे सबसे पहले करूंगा बुल्स पावर को ऐड, ठीक है। बुल्स पावर को हम ऐड करेंगे, देन यहाँ पे इसका जो है मेन लाइन का थोड़ा जो है विजुअलिटी थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि हम क्लियरली यहाँ पे दिखे, ओके। और इसका हम जो है पीरियड वैल्यू है वो हम कर देंगे यहाँ पे 15, ठीक है। 15 हमने पीरियड वैल्यू कर दी है, अब हम वापस से आएंगे, ओके। और अब हम यहाँ पे लेंगे गाइज वियर्स पावर को, वियर्स पावर को गाइज हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ वाई डिफॉल्ट सेटिंग में ही रखना है, बस इसकी विजुअलिटी को हमें थोड़ा सा बढ़ा देना है ताकि हमें लाइन जो है क्लियरली दिखे और इजिली हमें जो है हमारे शॉर्ट शॉट हमें दिख जाए। गाइज हमारे दो इंडिकेटर हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिए हैं, देन हमारे जो थर्ड इंडिकेटर है जो कि गाइज मेन इंडिकेटर है उसका नाम है बॉलिंजर बैंड। आप सभी जानते हैं मैंने बॉलिंजर बैंड पे कोई भी वीडियो ऐसी जो है प्रॉपरली नहीं बनाई है, यानी मेन वीडियो हो कि इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड कोई वीडियो बनाई है, ऐसी कोई वीडियो हमने यहाँ पे नहीं बनाई है, ठीक है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका कलर ग्रेडेशन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, बिकॉज हमें अच्छे खासे यहाँ पे लाइंस वगैरह दिखने लगेंगे तो हमारी विजिबिलिटी में आसानी होगी, ठीक है। अब बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे क्या है गाइज, हम सबसे पहले जो मिडिल वाली लाइन है इसका कलर हमें चेंज करना पड़ेगा, इसका कलर हम कर देंगे ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर हम कर देंगे ताकि इजिली हमें समझने में आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। और इसके जो बैकग्राउंड का कलर है वो हम थोड़ा सा करेंगे इस तरह से ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हमने इसका कलर जो है इस तरह से कर दिया, ओके, बैकग्राउंड कलर हो गया हमारा, ये हमारा रेड कलर हो गया, और हमारा अब जो है कॉम्बिनेशन ठीक ठाक से बैठ रहा है, ठीक है। तो आपके सामने कुछ चार्ट जो है इंडिकेटर्स को अप्लाई करने के बाद इस तरह से गाइज दिखने लगेगा। सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं, ये जो स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूं OTC मार्केट पे, ये सिर्फ गाइज 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक ही वर्कफुल है, ठीक है। 1 मिनट का आप ज्यादातर ना यूज करें तो बेहतर रहेगा, लेकिन यहाँ पे गाइज मैं एक आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में 31 लाख जो है 78,000 रुपये का बैलेंस है। देन यहाँ पे एक बार मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा दूँ चार्ट को, ओके। सो आप सभी जानते हैं गाइज हमारे पास अगर हम डिपॉजिट करेंगे तो डिपॉजिट के लिए आप सभी यहाँ पे चेक कर लीजिए UPI का मेथड है, अभी देखिए संडे का दिन है, UPI अवेलेबल है, नेट बैंकिंग अवेलेबल है, ठीक है। विड्रॉ भी आप करेंगे तो विड्रॉ ऑप्शन में भी आपको UPI नेट बैंकिंग मिल जाएगा, तो इसलिए आप जो है विड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात फिलहाल अब नहीं है, ठीक है। सो देख लीजिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉलिंजर बैंड से। खैर देखो गाइज, जो ऊपर की जो लाइन है ये वाली लाइन है, इसको तो आप खैर उतना नोटिस करें तो चलेगा, लेकिन गाइज आपको जो बीच वाली जो ब्लू लाइन दिख रही है इसको गाइज आपको नोटिस करना ही पड़ेगा। क्यों गाइज मैं आपको बता दूं, जब भी गाइज देख लीजिए इस ब्लू लाइन को क्रॉस करके कोई भी कैंडल डाउन के लिए बनती है, ठीक है, और उसके बाद वाली कैंडल भी डाउन पे क्लोज होती है, तो गाइज तीसरी कैंडल
आप यकीन मानिए 90% चांसेस है कि मार्केट जो है डाउन पे ही क्लोज होगा, ठीक है। तीसरी कैंडल जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर ब्लू लाइन को क्रॉस करती है डाउन के लिए पूरी कैंडल, उसके बाद एक और रेड कैंडल बनती है तो मार्केट जो है डाउन ही गिरेगा, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस अगर आप 5 मिनट की ट्रेड लगा लेते, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये स्ट्रैटेजी गाइस 5 मिनट, एक मिनट से लेकर 5 मिनट तक वर्कफुल है, अगर आप इसको 5 मिनट में यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है इजीली यहाँ से प्रॉफिट बना लेंगे। अब इस पोजीशन पे आप जो है ट्रेड करते हैं 5 मिनट की, उसके बाद गाइस आपकी 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे गाइस आपकी ट्रेड एंड होती है। आप देख सकते हैं क्लियरली गाइस ये ट्रेड हमारी ITM होती है और यहाँ से आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते। बट गाइस देखो वही है, अगर गाइस आप जो है इंडिकेटर देख के ट्रेड कर रहे हैं, इंडिकेटर वेज को समझ के ट्रेड कर रहे हैं, तो गाइस देखो दिक्कत वहाँ पे सिर्फ एक ही आती है कि आपको वहाँ पे थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। जब तक इंडिकेटर हमें इंडिकेट नहीं कर रहा है तब तक आपको जो मार्केट में बना रहना पड़ेगा। तो ये गाइस हमारा हो गया, कहते हैं बॉलिश इवेंट, ठीक है। बॉलिश इवेंट को मैंने आपको इजीली समझा दिया यहां पे, आप होपफुली समझ गए होंगे। अभी मैंने समझाया गाइस आपको डाउन डायरेक्शन के लिए, अब मैं समझाता हूं आपको अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। देख लीजिए यहां पे भी गाइस सेम सीन है, अगर यहां पे भी आप जो इस कैंडल पे ट्रेड यहां पे कर लेते तो यहां पे देख लीजिए 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो गाइस इजीली आपकी ट्रेड गाइस प्रॉफिट थी। आप यहां पे देख सकते हैं किस तरह से प्रॉफिट थी, ठीक है। सो आप गाइस कितना भी कुछ कर लीजिए आपको इजीली यहां पे प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। अगर प्रॉपर्ली आपको ये कह सकते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेड जो है विन निकाल लिया, यानी कह लो कि आपको जो है आपको 5 मिनट तक नहीं जाना है, तो गाइस देखो आपको 2 और 3 इतने से कम की ट्रेड आपको प्रेस नहीं करनी। अगर आप जो इतने से कम की ट्रेड लगाएंगे तो आपको गाइस लॉसेस के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भैया आपको मार्केट में प्रॉफिट ही चाहिए तो प्रॉफिट के कगार पे गाइस आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। देखो गाइस अगर आप जो अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो गाइस बहुत समझदार लोग आप जो कि अभी तक वीडियो देख रहे हो, बिकॉज गाइस मैं पॉइंट बाई पॉइंट आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह के टाइम मैंने AUD JPY पे कुछ 95,000 की कुछ ट्रेड वगैरह करी थी, यहाँ पे आप गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रेड टोटल जो है प्रॉफिट, हाँ 6 टोटल ट्रेड जो है प्रॉफिट करी थी, और यहाँ पे गाइज मैंने लगभग जो है 2.5 से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया था। तो ये गाइज हमारी होगी गाइज बॉलिंजर बैंड की बात। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वियर्स पावर की। गाइज देखो वियर्स पावर की आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये 0 बाई लाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं, 0 बाई लाइन दिख रही है, और मेन लाइन दिख रही है आपको एक ग्रीन लाइन। जब भी गाइज ये ग्रीन लाइन इंटरसेट करके 0 बाई लाइन को ऊपर की तरफ जाता है मार्केट, तो आपको वहाँ पे ध्यान में देना है कि यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स करेगा अपवर्ड के लिए, और आपको वहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्रेस करनी है, वो भी क्रॉस करने के बाद ही, ठीक है। जैसे यहां पे इस पोजीशन पे इसने क्रॉस कर ली थी इस लाइन को, तो आप यहां पे ट्रेड कर ले तो आपकी इजीली विन थी, ठीक है। अब वही था गाइस सेम सिचुएशन डाउन के लिए, अगर आपने यहां पे डाउन जा रहा था मार्केट, यहां पे डाउन के लिए प्रेस करते तो इजीली मार्केट डाउन गया था। सेम फंडा गाइस हमारा बुल्स पावर के लिए है, ये दोनों सिर्फ हमने इजीली लगा रखे हैं, एक ही पीरियड वैल्यू हमने चेंज कर रखी है अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक, जिसके मैंने 15 कर रखी है। यहाँ पे देख लीजिए आपको बड़ा पोल बैक दिख रहा है और यहाँ पे आपको छोटा पोल बैक दिख रहा है, ठीक है। तो आपको दोनों को मैंने कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बना के रखा है ताकि आपको जो है इजिली समझ में आए, यानी आपको भटकने का चांसेस मैंने नहीं रखा। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने काफी सारी करेंसीज को यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। OTC की वीडियो है गाइस, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आप सभी के लिए होने वाली है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ इस वीडियो में ताकि आपको जो है बारी बारी करके हर चीज समझ में आ सके और आप जो है कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप सभी जो है विदाउट कन्फ्यूजन के अपना जो है प्रॉफिट निकाल पाओ यहाँ से। चलिए अब मैं यहाँ पे करेंसीज को देखता हूँ जहाँ पे जिन लोगों ने जो क्रॉस अप किया है, देख लीजिए यहाँ पे भी इसने क्रॉस कर दिया सेकंड लाइन ने, और यहाँ पे 5 मिनट के लिए ट्रेड प्रेस करते 2 मिनट 3 मिनट के लिए, तो आप इजीली प्रॉफिटेड बना सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी हमारे पास टाइम है, ऊपर की साइड जो हैमर बन गया है, अगर हमें इसके बाद जो है दिखता है कि मार्केट रिवर्स कर सकता है तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, बाकी का हम जो है दूसरी करेंसी पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं गाइस, 2 मिनट कर लेते हैं सेलेक्ट, और हमने यहाँ पे 50,000 रुपये ऑलरेडी सेलेक्ट कर ही रखा है, अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर ही रखा है, तो आपके सामने हमें लाइव जो इंडिकेशन मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बुल्स पावर और वियर्स पावर, जैसे कि आप देख सकते हैं वियर्स पावर ने अभी क्रॉस नहीं किया है लेकिन बुल्स पावर कर चुका है। तो हमने यहाँ पे 2 ट्रेड लगभग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लिया 2 मिनट के लिए, ओके 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड है इसी स्ट्रेटजी पे, और मैं यहाँ पे आपके सामने लाइव ट्रेड इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज गाइज आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ सके, क्योंकि गाइज देखो मेरी जो चीजें रहती है स्ट्रेटजी रहती है वो सारी की सारी लाइव आपके सामने इसीलिए करता हूँ क्योंकि गाइज आप सभी को कहीं ये ना लगे कि हमें जो है लॉस हो रहा है और आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने आपको जैसे मुझे इंडिकेटर दिखा, इंडिकेशन दिखा, सेकंड ट्रेड भी गाइज छोटी भले ही बनी, हमारी ग्रीन कैंडल बनी लेकिन छोटी ही बनी, लेकिन बनी जरूर। सो उसी चीज को फॉलो करके मैंने अपनी नेक्स्ट ट्रेड डाल दी है अब और डायरेक्शन, बस मुझे थोड़ा सा इंतजार करना है क्योंकि ऊपर जो मार्केट है वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा वोलेटाइल दिख रहा है, कैंडल जो है मूवमेंट बहुत फास्ट दिखा रही है, ठीक है। तो मोमेंटम के हिसाब से थोड़ा सा चेंजमेंट हो सकता है, बट हम थोड़ा सा इंतजार करके देखेंगे कि भैया हमारी ट्रेड में होने क्या वाला है, ठीक है। 7 सेकंड का टाइम बचा है इस कैंडल के एंडिंग में, ओके इसके बाद जो है लगभग 1 मिनट बचा हुआ हमारे पास। गाइस देखो ये कैंडल होगी हमारी डिसाइडर, खैर अभी तो देख सकते हैं कि मार्केट ने मूवमेंट किया है डाउन के लिए, 1 मिनट की अगर हम ट्रेड लगाते तो प्रॉफिट थी, लेकिन अभी तो गाइस खैर हमें थोड़ा सा लॉस देखने को मिल रहा है कि नेक्स्ट कैंडल हमारी बन चुकी है डाउन डायरेक्शन में, और 40
6 सेकंड का टाइम यहाँ पे बचा हुआ है और अभी हम कुछ कह भी नहीं सकते कि हमारी मोमेंटम जो है वो शिफ्ट किस तरफ हो सकता है। बट कोई नहीं, हम तब तक जो है किसी और जो है मार्केट पे देखते हैं इंडिकेशन कहाँ मिल रहा है। जहाँ हमें इंडिकेशन मिलेगा हम वहीं अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे। खैर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ओके यहाँ पे भी हमारा सेम टाइम रहेगा 2 मिनट का। 2 मिनट गाइज हम लेके चलेंगे, बिकॉज गाइज 2 मिनट आपको रखना ही है। अगर आपको 2 मिनट नहीं रखते हैं तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। खैर हम देखते हैं, अभी भी हमारी यूरो सीएडी पे भी ट्रेड प्रॉफिट चल रही है। आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं ये वाला मोमेंटम यहाँ पे देख लीजिए, प्रॉफिट चल रही है। ठीक है, यूरो सीएडी कहाँ है, ये रहा यूरो सीएडी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहले हम यहाँ पे ट्रेड प्रेस कर दें। हमने 2 मिनट ट्रेड यहाँ पे प्रेस कर दी है और यूरो सीएडी पे यहाँ पे देख लीजिए लास्ट मोमेंटम पे शायद हमारी ट्रेड ये लॉस हो गई है। लास्ट देखते हैं क्लोज पॉइंट पे लॉस हुई है, देखता हूँ। हाँ गाइज यहाँ पे देख लीजिए, बिल्कुल क्लोज पॉइंट पे दिखा रहा हूँ, बिल्कुल से गाइज 1x से 30 पॉइंट पे लास्ट जाके मार्केट डाउन गिर गया 1x से। कोई दिक्कत नहीं है, हमने नेक्स्ट ट्रेड इसलिए गाइज अपनी प्रेसअप करी है कि ताकि हम अपना प्रॉफिट को रिकवर कर सके। अभी तक गाइज मैंने जितनी वीडियोज वगैरह बनाई थी सारी वीडियोज में लगभग गाइज 90% से लेके 100% तक की एक्यूरेसी थी। ये पहली वीडियो हमारी उसके बाद हुई है जिसमें अभी हमारी सेकंड ट्रेड भी लॉस चल रही है और हमारे 2 लाख रुपए टोटल भी अभी तक लॉस में जा चुके हैं। बट गाइज अगर आप जो पुरानी वीडियो को भी याद करो तो आप सभी जानते हैं कि हम जो है किस तरह से अपनी मार्केट में रिकवरी करते हैं। अगर हमारी 1-2 ट्रेड लॉस होने के बावजूद आप सभी जानते हैं कि हम किस तरह से मार्केट में जो है रिटर्न करते हैं, किस तरह से मार्केट में दोबारा से प्रॉफिट में आते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप सभी जानते हैं, मुझे आपको बताने की गाइज बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बेफिक्र रहिए उस चीज़ से आप गाइज, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको गाइज डेली प्रॉफिट दिला सकूँ, कुछ चीज़ें नहीं नहीं आपको समझा सकूँ। मेरे पास गाइज जितना नॉलेज रहता है मैं आपको प्रॉपरली सिखाता हूँ। अभी फिलहाल आप सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में हम लोगों ने एंटर करने का सोचा है, चलो भाई वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ मैं नया चीज़ सिखाने का कोशिश करूँगा। प्रीवियस ट्रेड में आप सभी जानते हैं मैंने लॉस कर लिया है 1.5 लाख रुपये का, ओके। और स्टॉक मार्केट का लगभग हमारा जो है सेशन वगैरह स्टार्टअप हो जाएंगे नेक्स्ट मंडे, यानी जो अगला मंडे आ रहा है कल ही है। सो कल से हम जो है सेशन कराना स्टार्ट करेंगे और आप सभी जो है बिल्कुल रेडी रहिए गाइस। आप सभी के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं अवेलेबल कराने वाला हूँ उस डायरेक्शन से, उस चीज़ से और उस स्टेज से आपको गाइस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो बने जरूर रहिए। मैंने कोशिश करी थी कि आप सभी के लिए जो है लेके आऊँगा एक और टूर्नामेंट, बट गाइस मैं सोच रहा हूँ टूर्नामेंट को रिमूव करके आप सभी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाएँ जो कि आपको रियल लगे और फेक चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर रहे। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अभी उस चीज़ को थोड़ा सा रेस्ट दे रहा हूँ, बट आने वाले टाइम में ज़रूर करूँगा। यहाँ पे 1 मिनट के लिए मैं कुछ करने का सोच रहा हूँ, ओके। 1 मिनट के लिए मैं ट्रेड डाल दी है, मैंने 2 ट्रेड डाल दी है 1 मिनट की डाउन डायरेक्शन में, बिकॉज ऊपर की साइड जो लेवल बन रहा था उस लेवल के हिसाब से मार्केट को थोड़ा यहाँ तक टच किया इस कैंडल ने, टच करते ही कैंडल डाउन पे, यानी आधी कैंडल डाउन बनी। तो मुझे यहाँ से लग रहा है कि 90% चांसेस है कि कैंडल जो है डाउन पे क्लोज हो सकती है, बिकॉज गाइज वॉलिंजर बैंड आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लोज मूव दिखा रहा है, बिल्कुल क्लोज पे आ गई है तीनों की तीनों लाइनें। सो इसलिए मैंने ट्रेड जो है प्रेस करी है डाउन के लिए और ऊपर की साइड से आप देखें नीचे की साइड बुल्स पावर जो है रिएक्ट कर रही है डाउन के लिए। बुल्स पावर की जो मेन लाइन है वो रिएक्शन हमें दिखा रही है कि मार्केट जो है फ्लक्चुएट कर सकता है डाउन के लिए। बट हम देख सकते हैं कि उसके पहले जो हमने फर्स्ट ट्रेड डाली थी वो फर्स्ट ट्रेड हमारी लॉस गई थी। अभी भी इस ट्रेड में 18 सेकंड का टाइम बचा है, हो सकता है। देखो गाइस ओटीसी का मार्केट है, आप सभी जानते हैं मोमेंटम कुछ ही सेकंड में बदलता है, मोमेंटम कुछ ही सेकंड में पॉजिटिव में आ जाता है, कुछ ही सेकंड में नेगेटिव चला जाता है। तो देखो ये प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट इसके चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समय हड़बड़ा नहीं है। और हमने यहाँ पे कुछ ट्रेड एक्स्ट्रा डाल दी है, इन ट्रेड्स में हमारा सारा का सारा हमें लॉसेस देखो कवर करना है। ठीक है, इस कैंडल पे हमारा लॉस कवर होना चाहिए, बिकॉज गाइस देखो यहाँ से मार्केट की एक कैंडल डाउन बननी चाहिए, इसीलिए मैंने ये ट्रेड डाली है। ठीक है, 7 ट्रेड टोटल इन्वेस्टेड करी हैं। अब गाइज मैं हमेशा की तरफ से यही बोलूँगा, अभी आपको वीडियोस में देखने को मिल रहा होगा कि आपने भैया जो है 50-50 हज़ार की ट्रेड डाल दिए हैं और इजी लग रही होंगी आपको चीज़ें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप सोच के देखो कि आपका खुद का अमाउंट है, तो गाइज आपके हौसले बिगड़ जाएंगे, है ना, हौसले मतलब बिगड़ जाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, तो गाइज खुद का अमाउंट लगा होता तो तब रिएक्शन कुछ और होते हैं, किसी और का लगा होता तो कुछ और होते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी खुद से ध्यान में सोचनी पड़ेंगी, जिस तरह से आप सोचेंगे आपका माइंड से जिस तरह से को होगा गाइज वैसे ही आप जो है चीज़ें यहाँ पे चुनेंगे। बाकी का देखते हैं, ये ट्रेड जो है हमें प्रॉफिट में दिला लेके जाती है या फिर लॉस जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करेंगे बिकॉज 7 सेकंड का टाइम बचा हुआ है। फिलहाल तो पॉजिटिव में है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ ही सेकंड में इसका मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है कहीं से कहीं। सो यहाँ पे देख लीजिए हमें टोटल जो है ओटीसी पे मैंने आपको दिखाया था पहले 31 लाख के समथिंग कुछ था और मैंने 2 लाख रुपये प्रॉफिट अभी भी जनरेट कर लिया। तो गाइज देख सकते हैं इस वीडियो में
कोई रिस्क मैंने ऐसा ज़्यादा नहीं लिया, एक से दो ट्रेड का ही रिस्क, वो से रिस्क नहीं बोलेंगे, एक ट्रेड लॉस होने के बाद मैंने ट्रेड का अमाउंट बढ़ा दिया, कम रखा, उसके बाद एक ट्रेड लॉस हुई तो मैंने अमाउंट अपना ज़्यादा बढ़ा के अपने ट्रेड को जो है ज़्यादा अमाउंट के साथ इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो गाइस देखो मोमेंटम कहीं भी हो, शिफ्टिंग कैसी भी हो, मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ ही बता रहे हो, बट आपको थोड़ा फंडामेंटल करना आता है, एनालिसिस करना आता है, थोड़ी स्ट्रैटेजी आप जो है भरोसा करते हो, तो आपको ईजिली गाइस देखो प्रॉफिट तो देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आया था 31 लाख के बैलेंस के साथ, यहाँ पे 33 लाख हो चुके हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भैया 2 से 3 लाख रुपया प्रॉफिट मैंने आराम से जनरेट किया है। अब जो है 3 लाख रुपए आप यहाँ देख सकते हैं, मोस्टली 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है। सो गाइस प्रॉफिट बनाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप इजीली प्रॉफिट बना पाएंगे अगर आप जो है पेशेंस रखेंगे, पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करेंगे, आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जेनुअन तरीका रखो, जेनुअन चीजें सीखो गाइस, उम्मीद है मजा जरूर आएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज गाइस वहां पे मैं आप सभी को फ्री सिग्नल देता हूँ बिना कोई चार्जेस के, आप जो है इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री बिल्कुल। ठीक है, यानी कि वोडस का अकाउंट आपके पास नहीं है तो उसका भी लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके अकाउंट क्रिएट कर लो, अकाउंट क्रिएट कर लो, आपको जो है ST50 को आप जो है यूज करेंगे तो इजिली आपको जो है 50% का बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी आप जो है 10,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं तो 5,000 और एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे। तो जाओ फटाफट गाइज जो है अकाउंट क्रिएट कर लो, देन ज्वाइन करो VIP वगैरह को। ठीक है, बाकी का गाइज मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर गाइज।